अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तालीना भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, अपने खर्चे से। तो वीडियो का टाइटल है बेस्ट शो एडवोकेट दीदी। एडवोकेट है, वकील है। चावल लड्डू कर दिए। लेकिन ये एडवोकेट होते हुए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं यार, मतलब उनको शर्म नहीं आ रही। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे चावल आप बनाओगे ना कोई बढ़ भी जाता है लेकिन मजा नहीं होता। तो देखते हैं हर बंदे को एक्सपर्ट होता है ना काम का। स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ सर? लोग बोलते हैं कि घर में लंच बनाना हमने छोड़ दिया, एफर्ट बच जाता है। इतनी गर्मी है, किचन में काम करने का मन नहीं करता। लंच आपसे लेके चले जाते हैं या आपके पास आके खा लेते हैं। ये तो है सर, ये तो। ऐसा क्या आप बेचते हो सर? बस प्यार से, दिल से बनाया हुआ खाना, हाइजीनिक खाना, बिल्कुल घर का, और अपने हाथों से ही बनाती हूँ सब कुछ। उनको स्वाद अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। अरे बहुत बढ़िया। मेरे मैम वो क्यूरियोसिटी इतनी थी ना मन में सवाल की, मैंने आपको आके सीधा ग्रीट ही नहीं किया। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो नमस्कार सर, थैंक यू आपने अपना टाइम दिया। तो अपने बारे बताइए, क्या नाम है आपको और क्या सेल करते हो और कैसे शुरू हुआ ये? मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मेरी किचन का नाम है पल्स किचन। ठीक है। पहले घर से सर्विसेज देती थी, टिफिन सर्विस और फूड ऑन ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे बहुत बड़े बड़े मेरे पास। हाँ, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, पढ़ाई में बिजी हो गई। अच्छा। तो हाँ, मैंने लॉ किया है। अभी लॉ किया आपने? जी जी, मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया है। आई एम एडवोकेट नाउ। मेरे पास डिग्री भी है और लाइसेंस भी है अभी। आप एडवोकेट हो? जी जी। तुम एडवोकेट को मैंने केस लड़ते तो देखा है, आप रोड पे खाना खिला रहे हो भी लोगों को। बस क्या कहें, दो पैशन है, कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये मेरा पहला पैशन था, तो इस पैशन को थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, मतलब पहला पैशन भी और आपका पहला प्यार भी, आप इसको ज्यादा टाइम दे रहे हो। एग्जैक्टली। मतलब आज तो मैं वीडियो में ध्यान से बोलना पड़ेगा कि केस ही ना हो जाए मेरे ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बर्तन में देख रहा हूँ काफी ढेर सारे पड़े, एक करके थोड़ा दिखाएंगे खाना है कैसा। कढ़ाई पनीर से शुरू करते हैं। अरे वाह, मतलब पहला ही जैकपॉट आप दिखाओगे। इसको लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे डेली अपने मेन्यू में रखना पड़ता है। अरे वाह भाई, ये कढ़ाई पनीर चेक करो, और ये तो ऐसा लग रहा है कि मैम रेस्टोरेंट से है। हाँ बिल्कुल सर, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये ड्राई फ्रूट होता है। अरे वाह, कैशियू, बादाम, ये देखिए बादाम भी हैं। एकदम बढ़िया ड्राई फ्रूट्स वाला। हाँ। और वैसे ज्यादातर क्या होता है, कढ़ाई पनीर ना ग्रेवी वाला होता है। हाँ। बट ये प्रॉपर एक्चुअल कढ़ाई पनीर है, ड्राई। यस यस। एक बार थोड़ा ढक्कन दोबारा खोलेंगे। हाँ, सर इतनी अच्छी चीज है, इससे तो नजर हटाने का मन नहीं कर रहा। और क्या बढ़िया खुशबू आ रही है यार, ये खुद बनाते हो अब, ये शेफ रखा हुआ आपने? नहीं, ये सारा खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। और कढ़ाई पनीर को लोगों ने इतना प्यार दिया, ये मेरा 2:30 बजे खत्म हो जाता है। क्या बात है। ये रोज की एक दाल होती है, दाल है अलग से बनती है। आज मेरे पास है ये मिक्स दाल। भाई आज है मिक्स दाल। वाह, मिक्स दाल कैसे हम, कौन कौन सी दाल है इसके अंदर? ये सर इसमें काले मसूर है, मूंग साबुत है, ठीक है, चना दाल है। ओके। मूंग की दाल है इसमें। वाह, सारी मिक्स करके बनाती हूँ। मतलब बच्चों को जिन दालों के नाम भी नहीं बताओ तो सब इसमें। यस, ही है। यस, उनको पता भी नहीं लगता वो क्या खा रहे हैं, लेकिन वो खा जाते हैं टेस्ट। क्या बात है। ये सर दूसरी सब्जी है मेरी, आज इसकी स्पेशलिटी है ये दम आलू। अरे वाह भाई, ये चेक करो दम आलू, मतलब रोड साइड में ये चीज तो दिखती नहीं। जी सर, आप ये फ्रेग्रेंस भी फील कर रहे होंगे जो इसमें खड़े मसालों की फ्रेग्रेंस आ रही है। वाह, मतलब मुझे तो फील हो रही है, पर जो लोग देख रहे हैं उनके मुंह में पक्का पानी पानी आ रहा होगा। और ये कौन सी? अरे राजमा। वाह यार, सबके फेवरेट, बच्चों के भी, बड़ों के भी। एकदम बढ़िया चित्रा राजमा ना ये? चित्रा और कश्मीरी राजमा जो होते हैं वो मिक्स करके बनाते हैं। कश्मीरी और चित्रा दोनों मिक्स, मतलब दोनों बंदे खुश। हाँ, चित्रे वाले भी और कश्मीरी वाले। करेक्ट, सही है जी। ये आगे भाई सबकी फेवरेट, और पंजाब की तो जान है कड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबियों को 3 टाइम कड़ी चाहिए खाने के लिए। और देखिए पकौड़ा, एक बार बढ़िया से मैं पकौड़े भर के दिखाएंगे कड़छी में, ये देखिए। और ये पकौड़े मैम किस चीज के रहते हैं? ये सर प्याज के, और जब सीजन होता है तो पालक भी ऐड होती है। ओके जी। खाते किसके साथ है, राइस, चपाती, कुछ तो दिखाइए आप। जी बिल्कुल, ये सर चपाती है मेरी। भाई चपाती चेक करो, एकदम पतली और बढ़िया। वाह वाह वाह, ये भी सर एक स्पेशल गेहूं से बनती है। गेहूं से? ये एक स्पेशल गेहूं होता है,
ठंडे आटे की चक्की बोलते हैं इसे, इसमें वाइल ग्राइंडिंग है, जब इसको पीसते हैं तो उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जिससे उसका सारी जितने भी मिनरल्स हैं गेहूं के वो बने रहे। अरे वाह बहुत बढ़िया, ये देखो भाई यहाँ के एकदम बढ़िया राइस हुआ, जीरा और लौंग भी है, जीरा लौंग खड़ा मसाला सारा ही होता है इसके अंदर, तेज पत्ता है। अब सब कुछ दिखा तो दे, थोड़ा प्लेट्स भी दिखाएं कैसे लगती है। तो ये देखो यार राइस की प्लेट लगने है, मैं कौन सी प्लेट लगा रहे हैं अब ये सर कड़ी राइस की, ये कड़ी और राइस की प्लेट लग रही है, पहले भर के भाई राइस आगे एकदम बढ़िया, ये देखो जी तो बढ़िया से पहले कड़ी आई साथ में पकौड़ा और ये हुआ मिक्स करके प्रॉपर, ये देखो ऊपर कोई भी आप चीज़ लो सैलड तो आपको मस्त मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में ये अकेला पुदीना की चटनी रहती है ये सर, पुदीना अनियन हरी मिर्ची ये सब। और ये पैक होके तैयार, मैम एक राजमा की प्लेट भी दिखाइए कैसे लगती है। तो एक कढ़ी चावल की तो भाई प्लेट जो है ना लगातार लगती जा रही है, अब आपको राजमा चावल दिखाते हैं, और जब ये ढक्कन खुलता है ना भाई इसमें से खुशबू आती है वो जबरदस्त है, ये देखो यहाँ से राजमा चावल की प्लेट लगकर रेडी हो गई। तो ये देखो जब दाल और राइस मैम लगा दो हमारी भी बारी। हाँ जी बस इसके बाद पक्का, इसके बाद आप ही किया है भाई, मैंने सारा कुछ ना अपनी आंखों के सामने लगता है देख लिया, चावल की सारी आइटम में थालियाँ, अब वेट हो रही है अपनी थाली की बस, अब इसके बाद लगवाते हैं और आपको फिर स्वाद बताते हैं। और राइस मैम कोई भी एक बार दोबारा बता दीजिए, राइस कोई भी लीजिए कोई भी सब्जी के साथ 50 रुपीज़ हाफ। हाँ जी, और पनीर के साथ अगर राइस ले लें, कढ़ाई कढ़ाई ये आपने अच्छा पूछा, मैं भी इसी बात पे आने वाली थी, अगर कढ़ाई पनीर के साथ लेते हैं तो 80 का हाफ होता है, ठीक है, और 120 का फुल होता है। बहुत बढ़िया जी, तो ये भी प्लेट एक बार आप देख लो, दर्शन करो फिर थाली दिखाते हैं। मैम लग रही है फाइनली हमारी थाली, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये देखिए अपनी फाइनली थाली लग रही है, और थाली के अंदर ना आप ऑप्शन ले सकते हैं सब्जी, तो मैंने लिया दम आलू, और एक बार देखो सही भाई क्या मसाले वाले बढ़िया दम आलू है, अरे वाह यार। और ये साथ में आ रहा है कढ़ाई पनीर, और आप देखो वीडियो स्टार्ट हुई थी तब कितना, तब तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक प्लेट ही बची है बस। टाइम बताइए कितना हुआ? ये 2:21, मैंने आपको कहा था 2:30 बजे से पहले कढ़ाई पनीर फिनिश हो जाता है। सही है जी। तो ये रही जी मिक्स दाल, इसमें आपने कितनी बताई थी थोड़ी बता सकते दोबारा कितनी दालें हैं इसमें? सर इसमें 4 से 5 दालें हैं, ठीक है, और साथ में आएगी एकदम बढ़िया मशीन वाली रोटी। ये वाली मशीन, हाँ हाथों वाली मशीन की रोटी, ये देखो जी ये देखिए साथ में सैलड आया, और ये आई जी चटनी, और थाली कंप्लीट जो है ना एकदम बढ़िया लंच वाली लगकर तैयार है। मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो लोग आपको देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ना लेडीज भी होगी जो घर का काम करती है, सोचती है कि कुछ करना है जी, तो उनके लिए क्या मैसेज आपका? आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर दिया भगवान ने जी, इसको यूज करो, उसको यूज करो बस, ठीक है मैम थैंक यू। ये बढ़िया अपनी थाली जो है लगकर तैयार है, साथ में एक सरप्राइज, एकदम बढ़िया गर्मी है ना, गर्मी वैसे बढ़िया नहीं होती पर गर्मी बहुत है, तो गर्मी के अंदर एकदम ठंडा ठंडा दही, और साथ में है जी भल्ले, और मैम का कहना है कि चीनी यूज नहीं करते प्रोडक्ट्स में, चाहे लस्सी हो या दही हो, शक्कर डाली गई है जिसकी वजह से इसका रंग जो है ना देखो हल्का पीलेपन में आ गया, मसाले की जो खुशबू आई ना ऊपर दही के बढ़िया लग रही कमाल। ये है जी मेन हाईलाइट, ये जी यहाँ की दाल, अब 5 दालें हैं, मैं थोड़ा दालों के मामलों में कमज़ोर हूँ, मुझे नाम भूल गए हैं, पर इसमें 5 तरह की दाल है मिक्स की हुई, ये साथ में ऐसी आइटम है। तो 12:30 बजे मैम आते हैं यहाँ पे काट लगाते हैं, और 2 बजे 2:30 बजे तक ख़त्म, और आगे ये है जी दम आलू, साथ में एकदम बढ़िया चपाती, मतलब जो मेरे भाई फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे ना शादी का, तो ऐसी लड़की ढूंढना जो इतनी गोल चपाती बनाए। ये है जी दम आलू, ये देखो जी ये इसको आलू को तोड़ेंगे, वाह साथ में मसाला कश्मीरी दम आलू रोड साइड मिल रहे हैं, ओ भाई जबरदस्त स्वाद, एक बार पास से जो पेस्ट है ना ये मसाला जो काट काट के बना हुआ है, मतलब खुरचन जैसा मसाला भाई, इतना करारा और इतना स्पाइसी, और आलू एकदम सॉफ्ट, मतलब ये और साथ में प्लेन दही और चपाती कॉम्बिनेशन हो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। जी राजमा चावल गुड नहीं लेने पर ही जाओ, ज़बरदस्त दम आलू का स्वाद, राजमा चावल का रिव्यू भाई बता के मैंने खाने थे, उनके पास प्लेट खत्म होगी तो भैया को दे दिए, ज़बरदस्त स्वाद दम आलू का, वो चीज़ जो 2 घंटे में सोल्ड आउट हो रही है वो है जी यहाँ का कढ़ाई पनीर। अब ये लेते हैं साथ में, ओ यार लुधियाना में ना बहुत सारे रोड साइड मैंने थाली दिखाई है, बट अगर मैं आपको परफेक्ट एक थाली बोलना, परफेक्ट अगर आपको मील चाहिए तो अभी तक ये है, दोनों सब्जियां, पनीर तो भाई पता लग रहा है खा के ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, करारा भी नहीं है, जो पेस्ट है ना वो एकदम दरदरा स्मूथ नहीं है ज़्यादा, तो टमाटर का अच्छा फ्लेवर, प्याज का बढ़िया फ्लेवर,
वाह यार, दो चपाती खत्म करने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा जरूर लेने वाला हूँ। बाकी फटाफट पास आओ, फटाफट पास आओ। इतनी गर्मी में आप गर्म हो गए होगे। ये लो आपके लिए ठंडा दही भल्ला। जी जनाब, 50 रुपए की प्लेट। वाओ, पेट भर जाए आराम से इंसान का, और 2 से 3 टेस्ट भी ले लें। यहाँ तो हमें आज एक पराठा एक चाय में ऑर्डर करने का, सुने 200-150 कल मैंने एक पराठा एक चाय में मंगाया स्पेशल, 500 रुपए गए मेरे। इतनी महंगाई है हमारी, तुम्हें पता है यहाँ तो 500 बोले स्पेशल चाय। मैंने बोला चल स्पेशल चाय पीऊंगी, सर के दर्द का जगह देखूंगी कितना स्पेशल है। वही वाली चाय जो बाहर मिलती है 250 की, कब चेंज कर दिया। अपने सामने से मंगवा रही थी ना चाय, तुम मजा नहीं आ रहा, तो बोल रही तो बासी चाय गर्म करके दे रहा गार्ड को, और गार्ड अजीब सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताएं कि एडवोकेट होते हुए डिग्री लेके उसके बाद भी बिजनेस कर रही हैं अपना। अच्छा हम लोग समझते हैं शायद जैसे रोडों पे ठियों पे लोग खड़े होते हैं, मतलब हम समझते हैं कि शायद पता नहीं कितना कमाते हों, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टडी किए, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि छोटा सा भी बिजनेस हो ना आपको अच्छी अर्निंग देता है अगर सही चल रहा हो। छोटा सा भी चिप्स का ठिया, चिप्स क्या है, फिंगर चिप्स, उस अगर सिर्फ वो भी लगते हैं तो वो भी आपको अच्छी अर्निंग देता है। छोटा सा ठिया चाय का भी लगता है ना, वो भी आपको अच्छी अर्निंग देता है। लेकिन आपका छोटा सा कारोबार चलता हुआ, एडुकेट के बारे में बता रहे हैं, वो लोग खुद परेशान है, सब परेशान है। वो इस वजह से परेशान है क्योंकि 24 घंटे कॉल आ रही होती है, ऐसा वैसा, वो रोना धोना, पैसे, बहुत सारे मसले होते हैं, कभी पैसे आते कभी नहीं आते। देखिए हम ये बिजनेस ऐसा है कि आपको एनी टाइम चलने वाला है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, अक्सर लोगों के मुँह से मैंने ये भी सुना है कि रनिंग बिजनेस पकड़ोगे तो वो चलता रहे। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज की जरूरत ही 6 महीने बाद होती है, उसमें फोन अलग ही आ रहे होते हैं, टेंशन, रोना, ये करना, रातों को अच्छा मैं सुबह आ रही हूँ। मुझे काफ़ी लेडी वकीलों ने भी कहा ना, लेडीज आपके पास भी आई थी, वो भी यही अल्फाज कह रही थी, बड़े फौरी फौर कॉलें आती हैं, आपके पास 2 लाख रुपए आते हैं ऊपर से टपकते हैं, टपकते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं तो पहले बैठूंगी लेके, नहीं 2 लाख रुपए आपके पास आते हैं आप क्या करोगे? 2 लाख से 10, 20, 50 लाख कैसे करोगे? आपके पास कोई आइडिया है बताएं, फिर रोज फिर मुस्कान फिर मेरे पास अगर 2 लाख रुपए होंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा दाल चावल से, या हलीम चावल से, या छोले चावल से, और टेस्टी और बाख्लाक होंगे जैसे मोहतरमा ने दिया। एक हमारे यहाँ वाकई इस चीज़ का फुकदान है कि हमने तमीज़ से किसी से बात ही नहीं करनी। अगर आपने कोई प्लेट 60 रुपए उसकी रखी भी है, कोई गरीब आपके पास आ गया कि भैया 10 रुपए कम है, ये राउंड फिगर 50 रुपए रख लो, तो आपने वो 10 रुपए लेके इतना रिटेट हो जाना है, नहीं है बे निकल इधर से। अब रोज उसके पास 2 लाख आते हैं तो ये क्या करती है, क्या शॉपिंग करेंगी, क्या कपड़े लेंगे, क्या मेकअप? शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं, ये कोई अच्छी सी कोई चीज का वो लगाएंगे और अपने हाथ से ओरिजिनल चीज डालेंगे, तेल अपना मतलब साफ सुथरा तेल, दो नंबर तेल ना हो, गंदा सा अजीब सा, के लोग खा के बीमार हो जाते हैं। अच्छा ये नहीं होता कि 10 ठिये लगे हुए छोटे छोटे, मगर वो 10 के 10 नहीं चल रहे होते, क्यों? एक चल रहा होता है, एक पे रश क्यों होता है, उसके पास होता है जायका। हम अच्छी चीज़ सामने वाले को खिलाएंगे तो ही वो दोबारा हमारे पास आएगा ना, अगर हम अच्छी चीज़ नहीं खिलाएंगे तो दोबारा क्यों आएगा हमारे पास? आपके पास 2 लाख आएंगे, मेरे पास 2 लाख आएंगे तो क्या करूँगी? मैं बिजनेस करूँगी, अगर पाकिस्तान में बिजनेस करने देंगे तो मैं करूँगी ना, यहाँ पर नहीं। अगर फर्ज करिए ये 50 का दे रही है, लोग इनके पास आ रहे हैं, मैं 30 का दूंगी, मैं चले फर्ज करिए मैं 30 का दे रही हूँ, मेरे पास रश लगा हुआ है, दूसरे लोग काम करने देंगे, वो बस बोलेंगे अपने ग्रुप के बंदे को बुलाएंगे, यार इसके इतने चल रहे हमारे भी चले, बंद कराओ, ठेला उठाओ, चावल उठाओ, धमकियां देंगे, अच्छा किसी का अगर चल पड़े नहीं करने देते, अगर किसी का चल पड़े तो उसको सरवाइव नहीं करने देते, लेकिन आपको परेशान करते हैं, कभी पत्थर मारेंगे, कभी बंदों को भेजेंगे, कभी ये करेंगे, आपको मजबूत होना होगा, होना होगा, अभी आपने फाइट करनी होगी, एक वक्त ऐसा आए कि अगला बंदा कहे कि नहीं भाई ये अब अभी आपने सुना है औरंगी टाउन में एक लड़की चीज बेच रही थी, सही है, उसको सामने वाला जो चप्पल वाला है उसको तंग कर रहा था, छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, उसने क्या किया कि उसने ना कॉल कर दी वहाँ पर किसी को ना कि ऐसा समझता वैसा होता है, कि पूरी वीडियो बनी, वीडियो के बाद वो इतनी वायरल हो गई ना, टिकटॉक में भी आ रही है, फेमस, वो उसको लोग क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप ही तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारा तो बेटा भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बोले थे लॉकडाउन की वजह से मेरा कोई काम नहीं, वो उसका बाप कह रहा है लॉकडाउन की वजह से मेरा कोई काम नहीं था, मेरी बेटी ही काम कर रही थी, काम बंद, सब कुछ बंद, मेरा बेटा भी नहीं, लोग ताना देते थे गली वाले, तुम्हारा बेटा नहीं है, ये नहीं है, क्या करोगे? तो ये लड़की ना चिप बेचने लगी, मैट्रिक भी उसने नहीं किया हुआ था,
तो ना वहाँ के मार्केट वाले ना बहुत तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे। तो बात आगे तक पहुँची तो पूरे बड़े बड़े लोग आ गए, खाने वाले आ गए, वीडियो बनाए। अभी उसको कहा दुकान करके दिया है। अच्छा। हाँ के आप ठेले पे बेचती हो, दुकान करके इसको दिया। अभी देखिए बहुत वायरल है ये। देखिए लड़कियाँ अक्सर सोचती हैं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लड़कियों को भी काम करना चाहिए और माशरे ने कुछ भी कहना है कहता रहेगा। और उनको कह दिया है कि कोई भी तंग करेगा उसको बंद कर देगा, कोई भी अगर छेड़े तंग करे उसको सहूलत दी गई है। कहना चाह रहे हो? हाँ मैं ये कह रहा था, बड़ी पाकिस्तान में कोई कहने देगा आपको बिजनेस? वो क्या कह रहे हो, कुछ और बात भी? हाँ। मैं तो इसकी कोई और बात करने जा रहा हूँ कि बड़ी मोटिवेशनल जो है ये वीडियो इन फीमेल्स के लिए, जिन्होंने अपनी सोच बना रखी है कि बस हमारी शादी हो जानी है, हमने आगे जाके जो है ना वो बच्चे पैदा करने हैं और बच्चों को संभालना है, हस्बैंड को संभालना है बस। लेकिन मुझे इस वीडियो से ये लगता है कि हो नहीं सकता कि हर जगह यही वाला काम हो कि हालात खराब है तो औरत कमाने के लिए निकल गई। वो एडवोकेट बनना चाह रही है शायद। नहीं डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है, हाँ डिग्री है, डिग्री है, सब कुछ है। इसके अलावा भी किस चीज, हम ना एक वो बना लेते हैं अपना सर्कल बना लेते हैं कि बस ठीक हमने इसी में रहना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार ये तो हो गया काम, अब मैंने जो ना ये काम करना है, ये डिग्री अचीव करनी है, तो उसके लिए इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो मुझे लगा शायद ये उस तरीके की वीडियो एक्स्ट्रा भी, और दूसरी चीज़ है कि क्या चल सकता है, क्या हो सकता है, इंसान केस आए ना आए, वकील इतने ज़्यादा हैं, बड़ा एक लॉबी सिस्टम होता है। तो जो आप कर सकते हो इनकम के लिए करो, करो, इनकमिंग हो हर हाल में हो। दोबारा किसी और भी साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए।